हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास? चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सफर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था और उससे लास्ट क्लास में क्या किया था, हमें कुछ याद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है, और याद रहना भी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास का तो यही सिस्टम है कि जो भी हम पढ़ेंगे पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, 5-10 मिनट्स, एंड देन विल कंटिन्यू आर क्लास। ओके, चलिए फटाफट से चलते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट अनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने बात किया था एन एग्रीमेंट अनफोर्सेबल बाय लॉ। जो कोई भी एग्रीमेंट है अगर वो अनफोर्सेबल बाय लॉ है तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो नहीं है। और अग्रीमेंट का क्या मतलब है? अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट। अब तो अच्छे से आपको पता होगा अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। आपकी स्क्रीन पर ये आपको राइट साइड में दिख भी रहा है इतने बड़े बड़े वर्ड्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम बात करते हैं कि हमने बात की थी कुछ एग्जाम्पल की। यस, कुछ याद होगा, एग्जाम्पल सेल करने का दिया था, परचेज करने का दिया था। एक पर्सन सेल कर रहा है, दूसरा पर्सन परचेज कर रहा है, तो यस इट विल बी कॉल्ड एन अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। यस, अगर इंटेंशन है किस चीज का, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, आप चाहते हो कि अगर काम पूरा नहीं हो तो हम क्या कर दें, हम सू कर दें, हम केस कर दें, तो यस यस इट विल बी कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज एग्रीमेंट तक ही रुक जाएगा। फिर हम लोगों ने बच्चों डिफरेंस पढ़े थे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। यस, अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर, कॉन्ट्रैक्ट का नैरोअर। कॉन्ट्रैक्ट नैरो है और अग्रीमेंट बहुत बड़ा है। अग्रीमेंट में लीगल रिलेशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशन होता है। क्लियर? अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फटाफट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या नहीं होता, इसमें आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर होता है तो यस वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए फिर हमने बात किया था एजेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। यस, टू पार्टीज मस्ट बी देयर। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं, दो पार्टी का होना जरूरी है। नेक्स्ट इज इंटेंशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। यस, देयर इज नीड। यस, पापा ने कहा बेटे को सीए करेगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कर लेगा तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, बीएमडब्ल्यू दूंगा। यस, तो पापा ने उसको बाद में मना कर दिया, तो क्या पापा पर केस कर सकते हैं? आंसर इज नो। केस लो वॉज वेरी फेमस, केस लो दैट्स नेम वॉज बेलफोर वर्सेस बेलफोर। एक और बात बोलेंगे बच्चों, जो भी आपको केस लॉ बताया जाए आप अपने नोटबुक में इसको नोट जरूर कीजिएगा उसकी हेडिंग के साथ कि इंटेंशन। हेडिंग कैसे लिखना है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और केस लॉ बेलफोर वर्सेस बेलफोर, जस्ट इट इज। क्लियर? नेक्स्ट था सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। यस, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग सर्टेनिटी में आपका एग्जाम्पल दिख भी रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑयल, पर्सन डील्स इन लॉट्स ऑफ ऑयल, सो सर्टेनिटी नहीं आएगी अगर हम उसको अच्छे से नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट वॉज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चांद तारे तोड़ लाऊं की बात किया था, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दिया था खुल जा सिम सिम, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वॉज फ्री कंसेंट, हमारी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब हम सब एक ही बात के लिए बात कर रहे हो, मैं और अदर पार्टी, दो पार्टी है जो आपस में एक ही चीज के लिए बात कर रही हैं, सेम थिंग इन द सेम मैनर, सेम सेंस में, सेम चीज एक ही चीज और एक ही मैनर में। आपको मैंने बताया भी था एक ही गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, बीडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी का एग्जाम्पल आपको दिया था। क्लियर? लेकिन कहा गया साथ साथ कुछ हावर, कुछ कंडीशन भी लगा दी गई। यस, यहाँ पर हमारे कुछ कंडीशन भी लगा दी गई कि ये तो है ही है साथ साथ, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन भी आपको ध्यान देनी है क्या, ये कंडीशन भी आपको ध्यान देनी है क्या, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए हमारे पास
इन बातों से फ्री कंसेंट उसकी नहीं ली गई हो, अंड इन्फ्लुएंस, करशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, थोड़ी सी बातें हम लोगों ने की थी। एक कौन सी होती है, मैम ने गन लिया हुआ है सर के ऊपर और सर को बोल रहे हैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर मुझे दे दो, अगर नहीं दोगे तो आई विल शूट यू। तो यस, बंदा क्या करेगा, ले लो मैडम मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। क्लियर, एग्जाम्पल आपको दिया ही था, शेम, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डजंट प्लैंड हिम। क्लियर, नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। यस, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे क्या कॉम्पिटेंट एनफ होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, आंसर इज नो, वो नहीं होते। सो माइनर आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। क्लियर, इस पर भी उनको बाहर रखा गया है। एंड नेक्स्ट वॉज साउंड माइंड का होना चाहिए, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये साउंड माइंड का होना चाहिए। ये सब साउंड माइंड के बंदे पर्सन है क्या, एक तो अपने विस्की पी कर लेटे हुए हैं दारू के नशे में, आप बोलिए क्या कह रहे हो, और दूसरे अपने मिस्टर गजनी आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, क्या कहते हैं है ना, याद है क्या, गजनी, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब उस समय सिर्फ उनको वही दिखता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में है, वो किसी समय पर सही हो रही है, वो जिस समय पर सही है, जिस समय उनका माइंड साउंड है, साउंड है मतलब अच्छा है, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, ये बूफर का साउंड नहीं है, ठीक है ना, ये आपका बूफर का साउंड है जो आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि पर्सन इस कैपेसिटी में है, पर्सन अच्छे से सोचने समझने की पोजीशन में है, तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल है, काबिल है, मैं तेरे काबिल हूँ, या ऐसा बात किया था ना। चलिए नेक्स्ट क्या था कि कुछ ऐसे पर्सन जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने से डिसक्वालीफाई अगर किया हुआ हो, यस मैंने बताया था, अपना दुश्मन, देश का दुश्मन, अपना दुश्मन, इनको अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। दूसरा हमने बात किया था कोई भी अपराधी होगा उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सी बातें हम लोगों ने की थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कंसिडरेशन के बारे में बात किया था। यस, समथिंग रिटर्न, कुछ ना कुछ तो चाहिए, गिव एंड टेक का जमाना है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। एग्जाम्पल भी देता, हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, आप हमें फी पे कर रहे हो। क्लियर, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है, राम सेल करता है, डिसाइड करता है हॉर्स को, यस 5,000 रुपये में अपने फ्रेंड को देने के लिए, तो यस राम के पास से हॉर्स जा रहा है, तो यस राम के पास 5,000 रुपीज आ रहे हैं। राम के पास जो 5,000 रुपीज आ रहे हैं, इट इज द कंसिडरेशन फॉर राम, और राम के फ्रेंड के पास क्या जा रहा है, हॉर्स जा रहा है, इट इज द कंसिडरेशन फॉर हिज फ्रेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को रिवीजन करने के बाद जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो, ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर, सो प्लीज मैसेज मी, आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। नेक्स्ट कहते हैं जी लो फुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पहली बात तो क्या हमने कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा बात क्या है, लो फुल कंसिडरेशन होना चाहिए। बच्चों ये लो फुल कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन देना चाहिए, यस आप हमें फीस दीजिए हम आपको पढ़ाते हैं। क्लियर, सिंपल इतनी बात। लेकिन अगर आप किसी की चोरी कर कर फीस देंगे तो क्या वो लो फुल होगी, आंसर इज नो। एटीएम में गए आप, या कोई भी अदर पर्सन जाता है एटीएम में, कोई बंदे ने पैसे निकाले एटीएम से, आपने फटाक से छीना झपटी की, पैसे लेकर आ गए और कहा लीजिए सर ये आपकी फीस, और बाद में पता चलता है कि ये तो चोरी की फीस है, तो ये लॉफुल कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। आपने किसी के ऊपर गन रखकर उससे पेमेंट ले लिया और फिर हमें दे दिया, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। आपने किसी पर्सन को इंजरी की, उससे आपको पेमेंट मिला, यस मैंने कहा मिस्टर एक्स को कि मिस्टर वाई की पिटाई कर दीजिए, यू प्लीज बीट हिम, आई विल पे यू ₹10,000। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई की पिटाई कर दी, उनको बीटन अप कर दिया, तो मैं अगर पेमेंट दे रहा हूँ मिस्टर एक्स को 10,000 रुपीज, यस जा रहा है, कंसिडरेशन है, यस पेमेंट है, पैसा है, मनी है, क्या कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन तो है बट लोफुल नहीं है, तो लोफुल नहीं है, तो यस ये सारी बातें होना निहायत ही आवश्यक है, मैंडेटरी है कि कंसिडरेशन जो होगा दैट विल बी लोफुल, अनलोफुल कंसिडरेशन विल नॉट बी देयर। क्लियर, बात समझ में आता है, चलिए और एग्जांपल से क्लियर करते हैं।
तो लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है? लॉफुल कंसिडरेशन वो है जिनको लॉ ने मना किया हुआ है, हमारे कानून ने मना किया हुआ कि सॉरी अनलॉफुल कंसिडरेशन वो है जिनको हमारे कानून ने मना किया हुआ है। क्या मना किया हुआ है? अगर आप ऐसे हमें कंसिडरेशन देंगे तो यस दैट विल नॉट बी अलाउएबल। सिंपल, आप बैंक में रॉबरी कर आ जाते हैं और एक प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी जो ली गई है वो बैंक में रॉबरी के पैसों से ली गई है, क्या एक लॉफुल कंसिडरेशन है? प्लीज थिंक फॉर ए व्हाइल, क्या लॉफुल कंसिडरेशन है? आंसर इज नो, इट्स नॉट ए लॉफुल, इट्स श्योरली अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे पहला अनलॉफुल कंसिडरेशन विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना ही किया हुआ है, इसने लॉ ने मना किया हुआ है कि ये काम अगर करेंगे तो यस अनलॉफुल होंगे, रॉबरी, डाका, चोरी, किसी की इंजरी, ऐसे कुछ भी प्रोविजंस, कुछ भी काम आप करते हैं तो यस वो अनलॉफुल कंसिडरेशन कहे जाते हैं। अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा तो यस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। चलिए कहते हैं जी क्या करते हैं, इज ऑफ ए सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडलेंट, या फ्रॉड के तरीके से लिया गया है, मैं आपसे कोई भी पेमेंट ले लेता हूँ फ्रॉड के तरीके से, यस मैं कहता हूँ उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो, उस कंपनी में आपको बहुत पैसे मिलेंगे, उस कंपनी के शेयर्स आप परचेज करेंगे तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, मैं ऐसा कहता हूँ, और उस कंपनी के साथ मेरा डीलिंग है कि मैं जिसको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उस कंपनी में वो कंपनी मुझे 20% कमीशन देगी। सपोज मिस्टर आर ने मिस्टर टी को कहा कि पी क्यू एस लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे हैं आप ले लीजिए, तो टी ने उनमें पेमेंट लगा दिया 1,00,000 रुपीज के शेयर्स खरीद लिए, वो कंपनी बिल्कुल बेकार थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, फ्रॉड एक्ट, फ्रॉडलेंट एक्ट बता रहे हैं। तो कंपनी के साथ डीलिंग थी किसकी? आर की। अब पी क्यू एस लिमिटेड मिस्टर आर को देती है 20%, मतलब 20,000 रुपीज मिस्टर आर को मिलते हैं जस्ट टू इंट्रोड्यूस एनी कंपनी, जस्ट टू इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उस कंपनी में उसको पैसे दिए जाते हैं। तो यस, क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? आंसर इज अनलॉफुल है, क्योंकि इसमें फ्रॉडुलेंट पर्पज है। अभी फ्रॉडुलेंट पर्पज क्या होता है? फ्रॉड करना। अब फ्रॉड का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चो, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब तो इसका समझ आएगा हमें चैप्टर नंबर 3। फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, किसी पर्सन को धोखा देना, टू डिसीव समवन विलफुली। सिंपली यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फ्रॉडुलेंट के यहाँ पर टू deceive someone willfully, हमें पता है हम उसे धोखा दे रहे हैं और इससे हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो yes it will be called an act of fraud, ये act of fraud का माना जाएगा, तो इसके लिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो yes it will not be allowable। next कह रहे हैं क्या, involves or implies injury to the person, किसी person को injury दे रहे हो, उसकी property को नुकसान पहुंचा रहे हो किसी भी वजह से, तो yes court क्या कहता है इसको? court इसको immoral मानता है, या public के against है कि ये काम नहीं होने चाहिए, ऐसे कुछ भी काम करते हो तो yes ये agreement आपके illegal agreement माने जाते हैं, इनकी कोई value नहीं है, क्योंकि इसमें consideration क्या है आपका? अनलॉफुल है, इसमें कंसिडरेशन जो आपका है अनलॉफुल। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, चलिए अच्छे से देखते हैं फटाफट क्या कहना चाह रहे हैं। ये है मिस्टर चोर, चोर 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 चोर, और ये है बैंक के मैनेजर, ये बैंक में पहुंच जाते हैं, ये बेचारे बैंक से अपने लॉकर, ये सामने दिख रहा है आपको ये लॉकर है, इस लॉकर से पैसे निकाल रहे हैं, पेमेंट निकाल रहे हैं, ये पहुंच जाता है ठीक है। अब क्या होता है, वो इनसे गन रखकर पैसे ले लेता है,
और फिर क्या होता है, फिर ये कहते हैं मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, मैं आपके अगेंस्ट में केस करूंगा। तो चोर कहते हैं मिस्टर बैंक मैनेजर से के ओ मिस्टर यार केस करोगे मैं जेल में जाऊंगा, मैं जेल से वापस आऊंगा, फिर मैं आपको परेशान करूंगा। सब बात तो ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, आप ये जो पैसे दिए हैं इनमें से जो मैंने चोरी की है इन्हीं पैसे में से कुछ पैसे आप ले लो और मेरे अगेंस्ट कोई भी रोबरी का केस नहीं करना, मुझे जाने दो। अच्छा, बैंक मैनेजर कहता है बात तो ठीक है, बाद में भी मैं बैंक में जो जॉब कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, टू अर्न समथिंग। तो इसके लिए वो क्या कहता है अपने प्रोसीडिंग्स, अगर कहता है जी मैं प्रोसीडिंग नहीं करूँगा, कोई भी मैं आपके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं करूँगा, जस्ट आप मुझे पैसे दे दो, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी कह दूंगा बैंक में। तो ये जो पैसे दिए गए ये कंसीडरेशन क्या है, 100% अनलॉफुल है। कंसीडरेशन तो है लेकिन अनलॉफुल है। एग्जाम्पल दिया है, ए प्रोमिसरी ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रोबरी, रोबरी की है इसने, लेकिन बी कहता है जी मैं आपको जो चीज रखे ना पैसे आप रख लो यार, चोरी के पैसे आप भी रख लो मैं भी रख लेता हूँ, यस मिल बांट कर खाएंगे, दोनों भाई मिल मिलकर खाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो यस ये अग्रीमेंट कैसे कहलाएंगे, यस ये सारे अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट कहलाए जाएंगे। ओके डन। चलिए बच्चों, हमारा मेन टॉपिक जो था कि आपके क्या थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, क्लियर, सब हम रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं एक और नई चीज पर इस कॉन्ट्रैक्ट में, व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस किस बेसिस पर होते हैं। सबसे पहला है एक हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और ये कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आराम आराम से समझेंगे तो बिल्कुल सब समझ आ जाएंगे, जल्दी से समझिएगा। फर्स्ट नंबर कहता है जी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के ऊपर बेस्ड है कि वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट की कब हो पाएगी, मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स अगर होंगे तो यस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एसेंशियल एलिमेंट्स अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्लियर, फर्स्ट नंबर का ये आपका पॉइंट है, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्ट जो हमने अभी पढ़े हैं, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी तो हो गई, प्लस में ईई भी हो गए, ईई मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी मैं आपसे पूछूंगा जब भी किसी क्लास में ईई, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेम बात कि एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कह रही इज एन अग्रीमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, यस सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल को फुलफिल करेगा जो भी अग्रीमेंट, यस वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कोई भी अग्रीमेंट जो सभी जो भी हमने पढ़े हैं एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करेगा, यस कौन कौन से, टू पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन ऑफ क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यस सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसे सब पढ़े हैं ना, यस ये सब आपका एसेंशियल ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं, उन सबको हमें ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं, क्लियर कि वैलिड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वैलिड अग्रीमेंट तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इतने तक ही चलता है, और उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अगर एनफोर्सिबल करना चाह रहे हो, एनफोर्सिबिलिटी का सीन है, पता है, तो यस इट विल बी कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ये क्या रह जाएगा, केवल अग्रीमेंट तक ही रह जाएगा। इट मस्ट क्वालिफाई ऑल द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से बच्चों हाईलाइट दिस पॉइंट वेरी मच, ऑल द मतलब सारे के सारे, के सर दो पार्टी है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन है, और बस सर एक ना इसमें कंसिडरेशन जो है ना वो अनलॉफुल है, बाकी सब बढ़िया है,
बाकी सब बढ़िया होने से क्या होना है अगर बाकी सब चीजें ठीक है। सर 18 प्लस है, मतलब मेजर है, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है सर, टू पार्टीज है सर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है सर, एक ही ऑयल में डील कर रहे हैं। लेकिन जो कंसिडरेशन दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, चोरी का दे रहे हैं। क्या ऑल द एजेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होते हैं? आंसर इज नो, आंसर इज नो। एजेंशियल एग्रीमेंट, एजेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होते देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अदरवाइज सारे कॉन्ट्रैक्ट के एजेंशियल एलिमेंट फुलफिल होते हैं तो यस इट विल बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए डन, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक बड़ा मस्त वाला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ये दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, इसका मतलब सब चीज ठीक है, सब बढ़िया मस्त, सब फर्स्ट क्लास, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। लिख लीजिए ब्रैकेट में, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। यस, कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़िया, अदरवाइज घटिया, अदरवाइज घटिया मतलब है ही नहीं। क्लियर? चलिए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से सुनिएगा। एक इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिसका नाम है वॉइड मीनिंग। प्लस में आपको बताना चाहूंगा वॉइड अग्रीमेंट। वर्ड का मीनिंग है बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है। वर्ड का मीनिंग है बेकार है, जीरो है, वैल्यू नहीं। सिंपल बात, वर्ड मीनिंग इज जीरो, नो वैल्यू। मैथ्स में भी तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो की वैल्यू कहाँ होती है? अगर जीरो लगा है वन के बाद तो वैल्यू है, अगर जीरो लगा है वन से पहले तो वैल्यू नहीं। तो अपना जो ये वर्ड है ये वाला है, जो वन से पहले है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब ये वर्ड अग्रीमेंट क्या और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या, ध्यान से सुनिएगा बच्चों इन दोनों बातों। वर्ड अग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वर्ड है, मतलब मैं अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करता हूं जिसमें सब बातें बेकार है, जैसे मैं कहता हूं मैं आप मुझे ना ये काम करके दो, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ला देता हूं, क्या हो सकता है? क्या एक्सेप्टेंस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यस, ये अग्रीमेंट कैसा होगा? वॉइड जो कि स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जिसकी स्टार्टिंग से ही करने की कोई संभावना नहीं है, स्टार्टिंग से ही वो नहीं हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वॉइड अग्रीमेंट। जैसे इन द कोरोना टाइम अगर हम किसी से बात करें कि यस आप पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी करो, मैं आपके लिए 1000 गेस्ट का आपके मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, 1000 गेस्ट का अरेंजमेंट कर देता हूँ। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यस आप ऐसा कुछ अग्रीमेंट करने की पोजीशन में नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वो क्या है, और लिख लीजिए बेकार है। बेकार, कोई कार जो है बेकार उसको बोलते हैं बेकार है, यूजलेस है, वी कैन से इन नॉर्मल सेंस यूजलेस है। यार ऐसा तो कुछ हम कर ही नहीं सकते ना, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का हमारा कोई सीन ही नहीं बनता, हम ऐसा कोई अग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। दैट विल बी कॉल्ड एज वर्ड अग्रीमेंट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। बात करते हैं किसकी? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मस्त होता है। वर्ड अग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा पूरा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा, तो ध्यान देना 100%। वर्ड अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही बेकार, वर्ड अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही बेकार, लेकिन यहां पर लिखा है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर लिखा हुआ है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, होगा कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा, यस, इसका मतलब इसमें सारे एजेंशियल एलिमेंट्स तो हुए होंगे, तभी तो कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, यस और नो? कोई कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बना होगा? एजेंशियल एलिमेंट्स उसमें होंगे, तो यस, अग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। लेकिन कहते जी अब वो बेकार हो गया, वर्ड मतलब जीरो हो गया है, इसको ही समझना है कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ध्यान समझना, पहले एग्जांपल को समझेंगे फिर चीजों को समझेंगे। मिस्टर राम एग्रीज टू राइट ए बुक विद पब्लिशर, पब्लिशर के साथ एग्रीमेंट हो गया कि यस मैं आपके लिए बुक पब्लिश करने के लिए आपको मैं अपनी बुक दे दूंगा और आप पब्लिश कर लेना। सपोज मिस्टर राम है जो, वो किसको बोलते हैं? पब्लिशर। पब्लिशर बड़े बड़े टैक्समैन पब्लिशर ना, इनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स बहुत सारे आते हैं। तो यस, राम ने कहा मैं आपके लिए बुक लिखूंगा और आप उसे पब्लिश कर देना मार्केट में। उन्होंने कहा ओके, राम ने कहा पब्लिशर से I'll write a book, और पब्लिशर ने कहा राम से I'll publish the book, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट के सारे एजेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं, यस, राम 18 प्लस है, सब कुछ बात हो गई कि इतनी फीस मिलेगी उतनी फीस मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ बच्चों? एक जबरदस्त रोड एक्सीडेंट हो गया, और उस रोड एक्सीडेंट में मिस्टर राम बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। अब मिस्टर राम भगवान को प्यारे हो गए तो क्या अब मिस्टर राम बुक को राइट कर सकते हैं फॉर मिस्टर पी? क्या मिस्टर राम नाउ बुक लिख सकते हैं पी के लिए? आंसर इज नो, नेवर। लेकिन पहले जब उन लोगों के बीच में बात हुई थी तब क्या वो बिल्कुल बुक लेने के लिए रेडी थे? बिल्कुल बुक लेने के लिए रेडी थे, बुक लिखने के लिए रेडी थे, पब्लिशर भी रेडी था बुक को एकदम प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए। सो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जिस समय उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा था बच्चों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किस समय? अर्लियर। अर्लियर मतलब पहले, बट After an accident, but now, क्या होगा? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है? Answer is no, never. उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो yes, क्या कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? Impossible. अब उस कॉन्ट्रैक्ट को किया ही नहीं जा सकता। मतलब अर्लियर इट वॉज वैलिड, नाउ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल। सो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या कहे जाते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहे जाते हैं। एग्जाम्पल क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं और क्लियर करते हैं चीजों को अच्छे से। कहते हैं जी, आपने सुना तो होगा अरिजीत सिंह, सिंगर है अपना मस्त, है ना, बेख्याली में ऐसा वाला बढ़िया वाला सिंगर है ना, आई लाइक हिम वेरी मच। अरिजीत सिंह है, उनने कॉन्ट्रैक्ट किया गुड़गांव में, और नाउ इट्स गुरुग्राम, बट कोई बात नहीं, हम गुड़गांव से ही समझ लेते हैं कि यस 31st of December 2009 को लाइव कंसर्ट करेंगे। अरिजीत सिंह लाइव कंसर्ट परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। सारी बातें हो गई, यस, मैं इतना फी चार्ज करूंगा, इतने समय के लिए आऊंगा, मैं 8 बजे आऊंगा और 3 बजे तक रहूंगा मॉर्निंग में, क्योंकि ये तो चलेगा ही ना, लाइव कंसर्ट तो चलेगा, तो इतना तो चलेगा ही, कम से कम 6-7 घंटे तो चलता ही है। चले, अब अरिजीत सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया सारा। गुड़गांव की एक टीम थी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी व्हाटएवर नेम, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं, अब अरिजीत सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट किया गुड़गांव की फर्म के साथ, किस चीज का? लाइव कॉन्सर्ट का। किस दिन के लिए? 31st of December नाइट के लिए, कि मैं आऊंगा और गाने गाऊंगा बहुत सारे, क्लियर?
बिल्कुल गाने गाऊंगा बहुत सारे, तुझे कितना चाहने लगे, सर ये गाना जरूर गाना सर, कबीर सिंह बहुत अच्छी थी सर, हमें बहुत अच्छी मूवी, दुनिया भर की मूवी के गाने गाएंगे सर, यस बिल्कुल गाएंगे। अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, इस समय जो उनके बीच में बात हुई, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातें हुई, जो भी अग्रीमेंट की बातें हुई, वो सारी क्या थी बच्चों ध्यान सुनिएगा, वो सारी वैलिड बातें थी। वैलिड तो इसका मतलब ये, पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड था 100% वैलिड था, लेकिन क्या हुआ 30 दिसंबर 2019 को अरिजीत सिंह को हो गया थ्रोट इन्फेक्शन, क्या हो गया बच्चों थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। नाउ क्या अरिजीत सिंह अब गाना गा पाएंगे, आंसर इज, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे, आंसर इज नो, क्या वो सुना पाएंगे तुझे कितना चाहने लगे, तो अब वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनका परफॉर्म करना अब क्या हो गया है इम्पॉसिबल। यस सर नो, यस सर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था अर्लियर, इट वाज वैलिड, लेकिन नाउ वॉइड हो जाएगा, इसी चीज को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले कंडीशंस पूरी, पहले एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे, पहले सारी बातें ठीक, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी चीज हो जाए, कुछ भी ऐसी बात हो जाए कि आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाओ, तो यस क्या बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट में डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस क्या है, अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड, वॉइड अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वॉइड नहीं, पहले तो लीगल, स्टार्टिंग में तो लीगल वैलिड, लेकिन बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं, बाद में ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी और एनी अदर फैक्टर उनको परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता, तो यस ये क्या माने जाएंगे वॉइड माने जाएंगे। ओके चलिए बात करते हैं अब सेक्शन 2 जे क्या कहता है। ऑफ द एक्ट का मतलब हमेशा आएगा बच्चों, जिस भी एक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 2 जे ऑफ द एक्ट क्या कह रहा है, एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 जे कहता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। ये डेफिनेशन है सेक्शन 2 जे की, अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है, अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं एज पर द एक्ट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, क्या कह रहे हो सर एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीजेस का मतलब क्या होता है, सीजेस का मतलब होता है कम्स टू एन एंड, मतलब कोई चीज अब खत्म हो गई, किस चीज से एनफोर्सेबिलिटी से, कोई चीज को हम अब एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते, हम किसी चीज को एनफोर्सेबल नहीं करा पाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, बिल्कुल वॉइड हो जाता है व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, कब हो जाता है जब इसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिस समय इसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब कोई भी ऐसा काम हो जाए जो बाद में बता दिया जाए कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, अर्लियर इट वॉज वैलिड, पॉइंट ध्यान रखिएगा अर्लियर इट वॉज वैलिड, लेकिन बाद में कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, तो यस कोर्ट क्या कहेगा, अब कोर्ट क्या कहेगा भैया, पब्लिशर को कहेगा या पब्लिशर कहेगा मुझे तो राम से बुक राइट करवानी है, तो कोर्ट कहेंगे राम से कैसे कराएंगे सर मुझे नहीं पता, राम से करानी है, तो कोर्ट क्या कहेगा ठीक है उनकी आत्मा से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या,
जब राम है ही नहीं तो बुक कैसे लिखेगा यार, जब है ही नहीं तो बुक लिखने कोई गुंजाइश नहीं है. ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एनफोर्सिबिलिटी, वो नहीं हो पाएगी. सो दिस मेक्स ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट एनफोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ एज वॉइड. यस, कोर्ट इनको क्या कर देगा, मना, इनको कर देगा रिफ्यूज के अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं रही है, जाइए अपना जीवन जिए. क्लियर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वेरी मच फेमस. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया बट फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान देंगे ही. चलिए बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल बोल सकते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, जिन कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, दे कॉन्ट्रैक्ट, दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड वॉइडेबल, वॉइड करने के लायक है. जो मतलब हम चाहे तो उनको जीरो बना सकते हैं, हम नहीं चाहे तो वो वैलिड होंगे. कैसे, बात करते हैं जल्दी से. सपोज किसी ने मुझ पर रख दी गन, क्लियर, किसी ने मुझ पर रख दी गन, किसी का मतलब है एस, एस ने टी, टी ने मुझ पर रख दी गन, एस जी पर रख दी गन, क्या रख दी गन, ए मिस्टर एस जी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर मुझे तो भरना मार डालूंगा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर किनको दे दिए, टी को दे दिए, क्या प्रॉपर्टी पेपर्स, क्या दे दिए प्रॉपर्टी के पेपर्स, ध्यान रखिएगा. अब मिस्टर टी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर चले गए. अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, सपन जेमनी के पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर वन, मैं चुपचाप बैठा रहूं, कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी कार्रवाई नहीं करूं और अपनी प्रॉपर्टी को जाने दूं, कोई टेंशन नहीं. ऑप्शन नंबर टू मेरे पास है, मैं पुलिस में जाता हूं, कंप्लेंट करता हूं और बताता हूं कि मिस्टर टी मेरी प्रॉपर्टी को ऐसे लेकर गए मेरे पर गन रखकर. तो यस, पुलिस क्या करती है, पुलिस जल्दी से कार्रवाई करती है और मिस्टर टी को पकड़ लेती है और उनको जेल की सजा सुना दी जाती है और उनसे मेरी प्रॉपर्टी वापस ले ली जाती है. यस, दो ऑप्शन हो सकते हैं 100%. या तो मैं डर कर चुपचाप घर में बैठ जाता हूं, जाने दो, ठीक है. दूसरा केस, मैं पुलिस में जा सकता हूं, दोनों ऑप्शन मेरे पास है, मैं जैसे चाहूं वैसे करूं. लेकिन क्या मिस्टर टी गन लगाने के बाद मेरे पास वापस आएंगे, यार मेरे से गलती हो गई, यार सपन जेब नहीं मेरे से गलती हो गई, ले अपने प्रॉपर्टी पेपर वापिस ले, ऐसा कभी भी नहीं होता है नॉर्मली, क्लियर. तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए अब इस चीज को. सेक्शन 2 आई क्या कहता है, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर. ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कौन, एस जी, सपन जेमिनी की इच्छा पर है. अगर सपन जेमिनी चाहेंगे कि ऑप्शन है कि यस किसको इस एग्रीमेंट को एनफोर्सिबल लेकर आना है, मतलब कोर्ट में लेकर आना, तो यस सपन जेमिनी कंप्लेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो अल्टीमेटली किसका ऑप्शन चलता है, अल्टीमेटली इस पार्टी का चलता है, अग्रीव्ड पार्टी. अल्टीमेटली कौन सी पार्टी का चलता है, अग्रीव्ड पार्टी, मतलब दुखी पार्टी. जो दुखी पार्टी होगी वही जाएगी कोर्ट में या कोई और चले जाएगा, 100% वही जाएगी, दुखी पार्टी ही जाएगी और किसी के जाने का कोई मतलब नहीं है. ओनली दुखी पार्टी जाएगी, पुलिस में कंप्लेंट करेगी, यस. किसी दूसरी पार्टी मतलब मिस्टर टी को तो कोई मतलब ही नहीं है ना कोर्ट में जाने के लिए, तो यस. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है किसकी इच्छा पर, 100% एस जी की इच्छा पर ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइडेबल है, उनकी इच्छा पर ही चलेगा. वो चाहेंगे तो यस पुलिस में जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे. अगर नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी प्रॉपर्टी टी की प्रॉपर्टी, टी ने वो आगे प्रॉपर्टी सेल कर दी, नो प्रॉब्लम, वैलिडिटी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. एक रीजनेबल टाइम में तो जाना पड़ेगा. सपन जमने को पुलिस के पास कब जाना पड़ेगा, आज प्रॉपर्टी के पेपर छीन कर ले गए, 10 सालों बाद जाएंगे क्या, आफ्टर 10 ईयर्स जाएंगे, तो यस बात समझ में आएगी किसी को, नहीं आएगी. तो एक विद इन ए रीजनेबल टाइम जाना चाहिए. रीजनेबल टाइम इन डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस, हर एक केस के हिसाब से रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है. विल डिस्कस लेटर के क्या क्या रीजनेबल टाइम होता है.
चलिए अब बात करते हैं फटाफट से। अन अग्रीमेंट मैंने आपको बताया, यस इसमें क्या क्या शामिल होता है वो हमने पढ़े थे पहले भी, यस इसमें इंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन, ये सब बातें शामिल होती हैं। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि मिस्टर टी के हाथों में पावर है, वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक पार्टी को जाना पड़ेगा अगर पुलिस के पास जाती है तो यस उसको अलाउ कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया जाएगा, दैट्स व्हाई अदर नेम इसका अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं जाती है तो यस वैलिड ही माना जाएगा और विद इन रीजनेबल टाइम जाना पड़ेगा। द अदर पार्टी इज नॉट बाउंड टू एंड मे चूज टू रिपीटेड और एक्सेप्ट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट को पुलिस के पास चले जाए, एक्सेप्ट कर ले, चुपचाप बैठे रहे। दोनों केस में मर्जी किसकी है, मिस्टर एसजी की मर्जी है, दोनों बोथ द केसेस में चलनी किसकी है, मिस्टर एसजी की चलनी है, बोथ द केसेस में किसकी चलनी है, इन्हीं की चलनी है भाई। चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, चाहे तो चुपचाप बैठे। तो क्या कहा गया है, अदर पार्टी इज नॉट बाउंड एंड मे चूज टू रेपुटेड और एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे चूज टू रेपुटेड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, बेकार, यस बिल्कुल बेकार बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, वैलिड तो रहना ही रहना है क्योंकि हमने कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिया विद इन ए रीजनेबल टाइम, क्लियर। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी कर्शन आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, फ्रॉड आता है, मिसइंटरप्रिटेशन आता है, मिस्टेक आता है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ भी चुके हैं वो सब बातें अगर हैं तो यस ये कॉन्ट्रैक्ट आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं तोड़ सकते, मर्जी आपकी, इच्छा आपकी, चॉइस आपकी, कॉन्ट्रैक्ट आपका, प्रॉपर्टी आपकी, अपना कोई टेंशन नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें काम ही क्या है, सारे गलत काम है, बिल्कुल गलत काम है। अपन किसी को कोकेन सप्लाई करते हैं, कोकेन है ना, जैसे बंदा ले भी रहा है कोकीन, मूवीज में भी देखा होगा, यस इसको ड्रग्स बोलते हैं, इसको लेते हैं तो बॉडी में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन होता है जैसा लोग बताते हैं। मैंने नहीं लिया कभी, मैंने कभी लिया नहीं और ना मैं कभी लूंगा। लोग बताते हैं कि ऐसा होता है कि एकदम से नशा हो जाता है मस्त और अपन कुछ भी करते रहे नो प्रॉब्लम, दो दो घंटा छः छः घंटा डांस करते रहे, कुछ भी कोई करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता होता, यस ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ये, क्योंकि गलत चीज होती है, ड्रग्स एक गलत चीज होती है, नारकोटिक्स गलत चीज होती है, अगर हम ये गलत काम कर रहे हैं तो यस ऐसा काम किसी भी बंदे के साथ कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे माने जाते हैं, ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही बेकार होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्लियर। जैसे पहले एग्जाम्पल पर जाते हैं फिर अपन बात करते हैं, एग्री टू सेल नारकोटिक्स टू बी, नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स, वी कैन से कोकेन, ब्राउन शुगर वो नहीं है जो आजकल चल रही है, ये गलत चीज हो रही होती है, अफीम, चरस, इन सब चीजों में डील करते हैं अगर तो यस ये गवर्नमेंट ने हमें मना हुआ ये काम नहीं करने हैं तो यस सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे नहीं हो रहे तो यस इट इज स्टिल लीगल। बात कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब है यस चीज जो आप सप्लाई करो ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। Although this contract has all the essential elements, yes, दो पार्टी है, consideration है, सब कुछ है, no problem. Still it will be called as illegal because it is having illegal object. आपका जो object है वही गलत है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम की तो government नहीं yes नहीं किया फिर भी आप कर रहे हैं तो yes ये agreement आपका बिल्कुल बेकार है, zero है, void है, स्टार्टिंग से ही वैल्यू लेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। बात करते हैं द लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर डीम्ड एज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ इनकी कोई एनफोर्सेबिलिटी की इजाजत नहीं देता, इसकी कोई परमिशन नहीं देता है, एज पर सेक्शन 2G ऑफ द स्टेट्स एक्ट, स्टेट्स बताता है मतलब ये स्टेट्स वो नहीं है जो अपना हरियाणा स्टेट, राजस्थान स्टेट, MP स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेट्स का मतलब है, ये बताता है सेक्शन 2G ऑफ द एक्ट, एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872
बताता है, स्टेट स्टेट लिखना बच्चों, कभी नहीं लिखना कि एक्ट बताता, एक्ट टेल्स, ऐसे भी नहीं बताता, एक्ट टेल्स ऐसा कभी नहीं बताता, एक्ट कभी बताता नहीं, एक्ट कभी बोलता नहीं है, एक्ट स्टेट्स करता है, उसने लिख दिया है जो वही उसने बता दिया है। तो कभी भी अगर एग्जाम में या कहीं पर भी लिखे या बोले भी तो डोंट से एक्ट टेल्स, ऑलवेज से एक्ट स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स एक्ट डिस्क्राइब, एक्ट टेल्स यू द स्टोरी, बट डोंट राइट टेल एनीवेयर इन द लॉ। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। An agreement not enforceable by law is said to be void. Yes, जो enforceability हो ही नहीं सकती, yes, उसको तो मना ही किया हुआ है। Illegal contract starting से ही क्या है आपके? Starting से ही आपके क्या है? क्या है? बिल्कुल void ab initio। ये क्या है बच्चों? Latin word। मैंने आपको starting में बताया था कि जहाँ भी Latin word use होंगे आपको ध्यान रखना है। Void ab initio का मतलब क्या है? Zero from the beginning। Void का मतलब है from the beginning, zero. From the beginning क्या है? Zero. लेकिन आप लिख देंगे अगर void ab initio, yes, it will be good enough for examination purpose, के yes, बंदे को आता है यार, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं, contracts that is immoral opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, If T agrees with P to purchase cocaine, यह सभी बताया, cocaine, brown sugar, यह सब क्या है? Illegal agreement है, इनकी कोई value नहीं। Done, next चलते हैं। Unenforceable contract, आज का last topic है, ध्यान सुनेगा फटाफट। कह रहे unenforceable contract, वो कौन से होते हैं? जिस contract में कुछ technical defect होता है। Technical defect मतलब वो writing में नहीं, उस पर पार्टीज के साइन नहीं, उस पर कोई डेट नहीं, ऐसे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट अगर है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट खत्म हो गई है। लिमिट खत्म मतलब सपोज मैंने आपको कोई पैसा उधार दिया, ए ने बी को कोई लोन दिया और उस लोन की रीपे करनी थी 1 ईयर में। 1 ईयर मतलब 31st नहीं, वी कैन 18 में उन्होंने लोन दिया, 19 में बी को पेमेंट करनी थी, 19 में पेमेंट देने से कर दिया मना। ए के पास क्या ऑप्शन है बच्चों? ए के पास ऑप्शन है जब मना किया 19 में, उसके विद इन 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो बी पर केस कर सकते हैं। हमारा लिमिटेशन एक्ट ये कहता है, हमारा लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट का मतलब है कि यार आप लिमिट लगाए, टाइम है कि कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप इस काम के लिए इतने समय तक जा सकते हैं, इस काम के लिए इतने समय तक आप केस कर सकते हैं। लेकिन आप करते नहीं है तो क्या जीवन भर केस करेंगे? नो, नेवर। तो क्या कहा गया, अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया 18 में, 19 में वो पे करना था, 19 में पे नहीं किया बी ने ए को, तो ए के पास ऑप्शन है क्या, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 19 के बाद मना करने के बाद 3 सालों के अंदर अंदर वो बी पर केस कर सकते हैं। तो कितने साल? 19 plus 3, 22 तक मिस्टर ए मिस्टर बी पर केस कर सकते हैं। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर केस नहीं किया 23 तक भी, उसके बाद मिस्टर ए मिस्टर बी पर नोटिस भेजते हैं, मेरा पैसा भेजो, मेरा जो आपने पेमेंट देना था, मैंने जो आपको लोन दिया था वो दो। अब मिस्टर बी कहते हैं जाओ आपको जिससे मन करे उससे ले लो, क्योंकि अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया है, लिमिट क्रॉस कर चुका है एज पर द लिमिटेशन एक्ट। अगर आप मुझ पर केस करना था तो यस विद इन ए रीजनेबल टाइम, 3 ईयर्स वॉज द रीजनेबल टाइम, इसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो यस ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप कोर्ट में लेकर क्या जाएंगे, कुछ है ही नहीं, कोर्ट में राइटिंग में ही कुछ है नहीं, क्या कहेंगे, कोई भी बातें सही नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी किसी प्रकार से डाउटफुल है तो यस कॉन्ट्रैक्ट सारे कैसे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन राइटिंग में है गलत, लिमिटेशन एक्ट में
अपने बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब क्रॉस द लिमिट वन और बोथ द पार्टीज कैनॉट सू अपॉन इट इट इज डिस्क्राइब एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन खत्म करने से पहले आपको पता है जल्दी से अपन रिवाइज जरूर करेंगे जो भी हमने पढ़ा है फटाफट जल्दी से. आज हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम पढ़े हैं क्या चीज, कुछ याद है क्या तुम्हें, याद है लॉफुल कंसिडरेशन पढ़ा सबसे पहले. लॉफुल कंसिडरेशन, यस, कोई कंसिडरेशन ऐसा जो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं हो, कोई इंजरी किसी पर्सन को नहीं की हो तो यस लॉफुल है, अदरवाइज अनलॉफुल. एग्जाम्पल दिया था बैंक में रोबरी, यस मेरे पास मेरे ऊपर केस नहीं करना, मैं पैसे तुम्हें भी दे दूंगा, अनलॉफुल. नेक्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स वाज देयर, यस एसेंशियल एलिमेंट्स अगर हो, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी देयर, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी देयर, ऑल कौन से, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स मस्ट बी देयर तभी वैलिड है, अदरवाइज नहीं वैलिड है. क्लियर. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें बात की थी हमने क्या वॉइड अग्रीमेंट की भी, अग्रीमेंट जो बिल्कुल ही बेकार है कब से, स्टार्टिंग से ही वॉइड अग्रीमेंट, पहले अच्छे पहले वैलिड बाद में बेकार, अर्लियर वैलिड बाद में जीरो वैल्यू. ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, बाद में बेकार हो जाता. क्लियर. राम का एग्जांपल दिया था बुक लिखते हैं पब्लिशर के साथ, बाद में मना हो गया, मना क्यों हो गया, क्योंकि मिस्टर राम की डेथ हो गई इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या कहता है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आप बात क्या अवॉइडेबल है, इच्छा है तो बदलिए नहीं तो चलने दीजिए, मेरी प्रॉपर्टी लो और मैं कुछ एक्शन नहीं लेता हूँ, मुझ पर गन रख दी गई है तो यस अलाउड है भाई, कोई बात नहीं, बंदा दूसरे को बेच देगा, तीसरे को बेच देगा, चौथे को बेच देगा, पांचवे को बेच देगा, नो प्रॉब्लम, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, रेपुटिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इल्लीगल, यस काम ही सारे इल्लीगल हैं, मना ही है सब कुछ, कोकेन बिजनेस, ब्राउन शुगर बिजनेस, यस चरस गांजा अफीम का बिजनेस के लिए अपन बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल इन नेचर, इल्लीगल पहले दिन से ही वर्ड है बनेश. एंड लास्ट वन इज अनएनफोर्सेबल, जिसमें चीजें तो थोड़ी ठीक है लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं. क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट्स, यू हैव टू राइट टेक्निकल डिफेक्ट्स, तब ये क्या माने जाएंगे, आपके अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे. ओके बच्चों आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.